नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मई 2020 से। आज इवनिंग में FOMC का रेट सेशन से काफी क्रुशियल है, जहां पे मार्केट इस रिपोर्ट के बाद मार्केट में एक पार्टिकुलर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ड्यूरिंग व्हाइल गोइंग थ्रू द डिफरेंट चार्ट्स, मेरे को कुछ सर्टेन सेटअप मिला है, जिस सेटअप को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। रिलेटेड टू दैट वन, फर्स्ट हम अपना स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। तो स्क्रीन आपके सामने है। बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज द सेटअप, ये कोई नया सेटअप नहीं है। ऑलरेडी हमने एक महीना पहले ये हाउ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेंड रिवर्सल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल में जाओगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्लिक करोगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी के लोअर पार्ट में नीचे की तरफ जो रिसेंट वीडियो है, यहाँ पे ये वाला वीडियो, हाउ कैन यू सेल एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड, बाय एट और नियर द बॉटम, हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड रिवर्स। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने एट लेंथ डिस्कस किया है कि यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस ट्रेंड रिवर्सल को, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये वीडियो को पहले आप लोग एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, देन एंड ओनली देन ये जो डिस्कशन है, दिस डिस्कशन, ये जो एजुकेशन पर्पस में मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इट विल बी ए फ्रूटफुल वन। सो आशा करता हूँ आप ये वीडियो, एक महीना पहले का वीडियो आपने ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके होंगे। देन अभी फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मिड मार्च में ये निफ्टी जो था 16,900 के पास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा अपमूव दिया। अपमूव देके ये आपका 18,200 के नजदीक आ चुका था, उसके ये सेटअप आ रहा है। ये अभी भी सेटअप फॉर्म हुआ नहीं है, दिस इज द रीजन, क्योंकि अभी है 1:11, अभी भी 3:30 होने के लिए मार्केट में काफी टाइम बाकी है। टाइम बाकी है, तो मार्केट का क्लोजिंग के बाद ही ये आपका कंफर्म इंडिकेशन है। लेकिन बिफोर द ट्रिगर द सिस्टम इज गेटिंग फॉर्म, ये एक एडवांस इंडिकेशन है हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम द लाइव मार्केट। इसमें क्या हुआ, 28 अप्रैल का मार्केट जो क्लोजिंग था वो आपका था, मार्केट का क्लोजिंग आपका 18,065। उसके बाद नेक्स्ट डे, दैट इज द 2 मई को ये गैप अप ओपन दिया एंड ऊपर ही क्लोज दिया, एंड आज एक गैप डाउन ओपन दिया और नीचे की तरफ जा रहा। बट इट मीन्स 28 अप्रैल से 2 मई में एक गैप अप है एंड 2 मई से 3 मई में एक गैप डाउन है। ये जो गैप अप एंड गैप डाउन, ये बॉडी टू बॉडी गैप अप एंड गैप डाउन है, नॉट एक्चुअल वीक वाइज, दैट मीन्स द ये जो वीक्स है उसका गैप अप या गैप डाउन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, व्हाट इज मीन बाय द गैप अप एंड गैप डाउन इन दिस केस, क्योंकि कोई बॉडी टू बॉडी गैप लेता है, कोई वीक टू वीक गैप को कंसीडर करता है। हियर वी आर कंसीडरिंग द बॉडी टू बॉडी, अगर डिफरेंस है देन एंड ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ गैप, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ गैप। दैट बीइंग द केस, आज अभी है 18,070, बाय मार्केट क्लोज दैट इज बाय 3:30 इट शुड नॉट क्लोज अबव यस्टरडेज क्लोजिंग। यस्टरडेज क्लोजिंग इज एट 18,147.69, इसके ऊपर अगर बाय 3:30 क्लोज दे देता है, ये जो मेरा एडवांस अलर्ट एडवांस कॉल है ये सेटअप के बारे में, ये निगेट हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज का मार्केट कल के क्लोजिंग से नीचे ही देगा। इन सच ए केस ये ट्रेंड रिवर्सल वाला सेटअप ट्रिगर होता है। ये कैसे ट्रिगर होगा, अल्टीमेटली कल जाके, यानी 4 मई आज के लो के नीचे ये ट्रिगर हो जाएगा। एक तो है कि फ्लैट ओपनिंग करके उसके बाद नीचे की तरफ आएगा या गैप डाउन ओपन करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होके फिर आज के लो के नीचे, यानी 3 मई के लो के नीचे चला जाता है, इट विल गेट ट्रिगर्ड।
अगर गैप डाउन होता है देन इन सच केस हम एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन का देखेंगे एंड स्विंग ब्रेकिंग का देखेंगे. इन सच केस इन दिस वे द सिस्टम और द सेटअप विल गेट ट्रिगर. एक तो हो गया ये ट्रिगर, लेकिन आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस क्या होगा? सेकेंड वे का हाई के ऊपर, यानी इन केस ऑफ निफ्टी हाई इज 118,180.25. सो इट्स थोड़ा सा और ले लेते हैं 18,185 या 18,190 का स्टॉप लॉस. टारगेट क्या हो जाएगा? हमारा इंडिकेटिव टारगेट हो जाएगा 17,650 के आसपास. फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट इज योर 17,200 एंड द थर्ड टारगेट इज योर 16,980 का. सो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड होता है 1:2 मिनिमम से 1:5 भी जा सकता है सब्जेक्ट मार्केट कंडीशंस. Once again, I would like to mention, stress out that I am not a semi-registered advisor. So, आप लोगों को अगर ट्रेड लेना है इन सच ए केस, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए एंड डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर पुटिंग योर एक्चुअल मनी. तो आज थर्ड मे का लो के नीचे कल ये इनिशिएट होगा सेटअप एंड उसके बाद 1:2 से 1:5 का ये ट्रिगर प्रोबेबिलिटीज है. और देखते हैं कहां कहां ये सेटअप स्टार्ट हुआ है. बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सिमिलर स्ट्रक्चर है. आपका 39,000 से एक 43,500 तक एक अप्रूव किया है. उसके बाद ये सेटअप 28 अप्रैल से सेकेंड में गैप अप, सेकेंड में टू थर्ड में गैप डाउन. अगेन आज का मार्केट अभी तक क्लोज नहीं दिया, आज अगर क्लोजिंग सेकेंड वे के क्लोजिंग के ऊपर दे देता है इन सच ए केस ये ट्रिगर, ये जो सेटअप है विल नॉट एग्जिस्ट. सो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि एट एनी कॉस्ट आज का जो क्लोजिंग होगा सेकेंड वे के क्लोजिंग के नीचे होगा. इन सच ए केस ये सेटअप इनिशिएट होगा. इनिशिएट कब होगा? टुमोरो, दैट इज द 4th ऑफ मे. सेकेंड थर्ड ऑफ मे के लो के नीचे ट्रिगर होगा एंड स्टॉप लॉस होगा सेकेंड मे का हाई, दैट इज योर 43,485 टू बी प्रेसाइज से 43,500. टारगेट क्या क्या हो सकता है? 42,250 का, देन 41,125 का एंड 39,575. यानी 1:2 से 1:5 या इवन मोर का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते. तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर फॉर्मेशन हो रहा है. उसके बाद आते हैं फिन निफ्टी. फिन निफ्टी में भी आप देखो 17,420.25 से एक आप मूव दिया, कहां तक आपका 19,255. उसके बाद ये ट्रिगर हुआ है. कहां पे ट्रिगर हुआ है? ये देखिए 28 का क्लोजिंग वर्सेस द सेकंड मे का क्लोजिंग, सेकंड मे का क्लोजिंग वर्सेस आज का क्लोजिंग जो अभी तक हुआ नहीं. आई अज्यूम आज का जो क्लोजिंग होगा ये सेकंड मे के लो के नीचे क्लोज देगा. इन सच ए केस ये ट्रेंड रिवर्सल का एक सेटअप है. ये सेटअप है, दैट डजंट मीन कि यही होगा. इसका स्टॉप लॉस हमें यानी कंसीडर रखना पड़ेगा बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम. वी हैव टू रेस्पेक्ट द मार्केट व्हाट एवर मे बी द सेटअप, हाउ पावरफुल मे बी द सेटअप, हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ खेलना है. दैट बीन द केस फिन निफ्टी में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये सेकेंड मे का हाई, दैट इज 19,265.20 उसके ऊपर है. और देखते हैं कहाँ कहाँ सिमिलर सेटअप आया है. ICICI बैंक में एक सिमिलर सेटअप आया है. उसके बाद हम देखेंगे PSU बैंक्स में. ये है आपका PSU बैंक का इंडेक्स निफ्टी PSU बैंक, यहाँ पर भी आपका सिमिलर सेटअप आया है. मार्केट आपका 3,565 से ये आपका 4,220 गया. उसके बाद ये सिमिलर सेटअप कैनरा बैंक सिमिलर सेटअप हुआ नहीं है क्योंकि आज का जो ओपनिंग है और कल का जो क्लोजिंग है वहां पे गैप डाउन नहीं है. थोड़ा सा चेंजेस है. आज का जो क्लोज मीन्स अभी का जो मार्केट करेंट मार्केट प्राइस है 33,319.20 ये कल के क्लोजिंग के ऊपर है. आज अगर क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के नीचे दे देता है तो ये सेटअप आएगा. बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में सिमिलर सेटअप है. देखिए 28 ओवर सेकंड, सेकंड ओवर आज. बैंक ऑफ इंडिया,
सिमिलर सेटअप है, यूनियन बैंक सिमिलर सेटअप है, पीएनबी यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी का जो मार्केट 52.65 वो सेकंड में का क्लोजिंग जो है 52.75 उसके ऊपर है। आज का क्लोजिंग अगर 52.75 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, मींस ये सेटअप होगा। फेडरल बैंक में नहीं है, आरबीएल बैंक में ऑलरेडी कल हो चुका है, कल ये हो चुका है। दैट मीन द केस यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अबोव सेकंड में 28 अप्रैल का है एक सेटअप, एक 1:2 से 1:5 का एक आरबीएल बैंक में आ सकता है। इंडियन बैंक में यहाँ पे नहीं है, आईडीएफसी बैंक में नहीं है, आईडीबीआई बैंक में ये सेटअप अंडर। सो ये जो हाउ टू फाइंड ए रिवर्सल पॉइंट, ये रिवर्सल पॉइंट का ये जो मेरा वीडियो है ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको जानने के लिए, सीखने के लिए एंड समझने के लिए ये वीडियो लाया हुआ है। अभी का जो टाइमिंग से 1:20 1:20, अभी भी 3:30 होने के लिए 2 घंटा 10 मिनट बाकी है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का क्लोजिंग आज का क्लोजिंग सेकंड में के क्लोजिंग के ऊपर दे दे। इन सच केस ये जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये सेटअप जो है वो फॉर्म नहीं होगा, देन वी नीड टू वेट फॉर अगेन फ्रेश फॉर्मेशंस। देन बीइंग द केस व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आप बोलोगे अभी भी सेटअप हुआ नहीं है, मार्केट अभी भी 2 घंटा 10 मिनट बाकी है, तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो? ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ सो दैट इन द लाइव मार्केट यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। यही मेरा प्रयास है एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने 1 महीना पहले हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल ये मैंने डिस्कस किया था। अभी आपका ये हो गया आज का ये कॉन्टिन्यूशन पार्ट टू है जहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्रेंड रिवर्सल ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वंस अगेन इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर्पस। सो आप लोगों को अगर इसमें ट्रेड करना है कल टुमारो ऑनवर्स इन सच ए केस यू नीड टू डिस्कस योर फाइनेंशियल एडवाइजर, यू नीड टू चेक योर ओन रिस्क एंड रिवॉर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग और बिफोर ट्रेडिंग। सो आशा करता हूँ ये जो मेरा प्रयास है टू शो इट ऑन अ लाइव मार्केट आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।